नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका डॉक्टर फजल सरकार, BHMS। स्वच्छ भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ते हुए एक कदम। और दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने मुझे बनाया वीडियो काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पूरे देशवासियों को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज हम कोई डिशेज के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हेयर ऑयल और शैम्पू के बारे में मैं आपको आज कुछ जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखे होंगे, जो भी हम बाहर के ऑयल या शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं और यूज़ करने के कुछ ही दिनों के बाद में आप देखे होंगे कि हमारा बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, हेयर रूट कमज़ोर हो जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और के लिए हम भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं। दोस्तों, इसी चीज़ को मैं दूर करने के लिए कोशिश किया हूँ और उसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथी शैम्पू और ऑयल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, बाहर के ऑयल और शैम्पू में बहुत सारे केमिकल चीज़ भी मिला हुआ रहता है, जो हमें पता भी नहीं रहता है और जिसके चलते हमारा बाल काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देते हैं। और उसी चीज़ को अगर हम होम्योपैथिकली दूर कर सकते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकता है। ये नेचुरल भी है और विदाउट साइड इफेक्ट भी है, इसके चलते बालों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपके बाल हमेशा सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों, और जो हेयर फॉल है, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें टोटल डिस्क्रिप्शन रहेगा कि हेयर फॉल होता क्यों है, हेयर फॉल क्या है, हेयर फॉल के साइन सिम्टम्स क्या है, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, इसके लिए अलग सा मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों, आज जो होम्योपैथी शैम्पू के बारे में आज हम बोलने वाले हैं, उसके शैम्पू का नाम है दोस्तों, ये है बीटी कंपनी के आर्निका शैम्पू। ये शैम्पू दोस्तों काफ़ी अच्छा है और इसको लगाते ही आप देखेंगे आपका बाल काफ़ी ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, इसमें जो भी हमारा बालों में जो भी डस्ट लाइन वगैरह जो भी है, वो भी अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। दोस्तों, इस शैम्पू का हम सप्ताह में 2 बार यूज़ करेंगे और शैम्पू को यूज़ करने के बाद में हम यही ब्यूटी कंपनी का 7 ऑयल को यूज़ करेंगे। इसको हम पान में लेके पीप ऑफ फिंगर में लेंगे और सुबह शाम 2 टाइम हम बालों को इसमें लगाएंगे, सप्ताह में 7 दिन। और ये ऑयल जो है डेली रेगुलर यूज़ करना है, ये नहीं कि सप्ताह में सिर्फ 2 बार यूज़ करें। आप डेली यूज़ कीजिए इस ऑयल, आपका बालों में अलग सा चमक आ जाएंगे, बालों का जो भी ड्राईपन है वो भी दूर हो जाएंगे, बाल आपका जो हेयर रूट वगैरह कमज़ोर होने लग रहे थे वो भी मजबूत होना चालू हो जाएंगे और बेसिकली आपको हेयर प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और मुझे दोस्तों ये भी उम्मीद है कि इस शैम्पू ऑयल को यूज़ करने के बाद में आप बाहर का जो भी केमिकल ऑयल या शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसको आप लगाना ही भूल जाएंगे। दोस्तों, ऐसा हेल्थ रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा और अगर आपको ऐसा कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या पूछ सकते हो। अगर कोई आपको बीमारी के बारे में भी ट्रीटमेंट भी अगर चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसके चलते और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपने पूरे देशवासियों को एक हेल्दी हेल्थ दे सकूँ, वो भी होम्योपैथी के थ्रू, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसमें हमारा शरीर का जो भी इम्यूनिटी पावर है वो भी अच्छे तरीके से डेवलप करता है। जिससे आप सभी लोगों ने देखे भी होंगे टीवी वगैरह में भी काफ़ी न्यूज़ में भी समाचार आ रहा है कि एंटीबायोटिक वगैरह खा के भी हमारा बॉडी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और तो इसी चीज़ को ही मैं दूर करने के लिए कोशिश मेरा जारी है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जहाँ तक हो सके मेरा पूरा एक्सपीरियंस दे सकें और मेरे पूरे देशवासियों को एक हेल्दी हेल्थ दे सकें। दोस्तों, इसी के साथ ही आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, कुशल मंगल रहिए। नमस्कार।